डेढ़ साल के मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन? खराब सड़क, रात को एम्बुलेंस का ना आना, या फिर वह डॉक्टर जिसने समय रहते एक मासूम का इलाज नहीं किया? पूनम साकेत के बेटे सिद्धार्थ साकेत की इलाज के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मौत हो। डेढ़ साल के मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन? खराब सड़क, रात को एम्बुलेंस का गांव में ना आना, या फिर वह डॉक्टर जिसने समय रहते एक मासूम का इलाज नहीं किया? पूनम साकेत के बेटे सिद्धार्थ साकेत की इलाज के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अंततः मौत हो गई। डेढ़ साल के बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन? आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल। गांव की वह सड़क जहां पर एम्बुलेंस नहीं चल सकती, या फिर वह डॉक्टर जिसने बच्चे को देखने के बाद भी इलाज करने से मना कर। हम बात कर रहे हैं गौधा चौकी शाहपुर थाना के नन्हे मुन्ने डेढ़ साल के सिद्धार्थ साकेत की, जिसकी बीती रात घर में तबीयत खराब हो गई, उसको लैट्रिन हो रही थी। उसकी मां पूनम साकेत ने 108 को फोन किया, लेकिन रात को एम्बुलेंस ना आई। जब सुबह एम्बुलेंस आई तो गांव तक नहीं आ सकती थी, क्योंकि गांव की सड़क खराब थी। पूनम साकेत अपने बच्चे को टू व्हीलर में लेकर इलाज के लिए चली। रास्ते में उसे एम्बुलेंस मिली। गांव में सड़क खराब होने की वजह से एम्बुलेंस गांव तक ना पहुंच पाई। एम्बुलेंस ने पूनम साकेत और उसके बेटे सिद्धार्थ साकेत को सिरमौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसको इलाज करने से मना कर दिया। कहा दिया रीवा ले जाओ, 108 भी उपलब्ध नहीं कराया। मजबूरी में पूनम साकेत अपने बेटे सिद्धार्थ साकेत, जिसकी उम्र महज 1.5 साल थी, किराए का ऑटो बुक करके 800 रुपए खर्च करके रीवा के संजय गांधी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान सिद्धार्थ साकेत की मौत हो गई। इस मामले में किसे दोषी ठहराया जाए, बड़ा सवाल यही है। परेशान हाल पूनम साकेत से हमने बात की। उसके अनुसार पहले उसे एम्बुलेंस टाइम में नहीं मिली, क्योंकि गांव की सड़क खराब थी। उसके बाद सिरमौर के डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, ना ही रीवा आने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराई। रीवा पहुंचते काफ़ी देर हो गई, क्योंकि वह एक ऑटो बुक करके अपने बेटे को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंची थी। सिद्धार्थ की मौत हो गई। आपको सुनाएंगे सिद्धार्थ की माँ पूनम साकेत ने इस मामले को लेकर कुछ क्या कहा। सबसे बड़ी बात, पूनम साकेत ने अपने बेटे का पोस्टमार्टम कराने से भी मना कर दिया। उसका कहना था, मेरा बेटा महज 1.5 साल का था, उसको केवल लैट्रिन लग रही थी, ना जाने किस वजह से मेरे बेटे की मौत हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अब पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगी। इस बाबत उसने चौकी में लिख कर भी दे दिया। आइए आपको सुनाते हैं पूनम साकेत ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। आप भी सोचिएगा इस मौत का दोषी कौन। सर, हमारा बच्चा वो एक्सपायर हो गया है, रोड नहीं है थी एम्बुलेंस के कारण, वेट करते करते बच्चा हमारा लाते लाते रास्ते ही में एक्सपायर हो गया है। बच्चे को क्या कर रही थी, कितने? वो लेटरिन बस किया था, 1.5 साल का था बच्चा हमारा। पूरी घटना बताएं, घर से क्या दिक्कत हुई? घर में कुछ नहीं दिक्कत थी, उसको रात में खिलाया पिलाया अच्छे से, यानी सुबह रात भर लेटरिन किया है और कोई दिक्कत नहीं थी उसको, सिर्फ खा पिया बस। अस्पताल पहुंचने में क्या परेशानी है? अस्पताल पहुंचाने में हमको एम्बुलेंस के नहीं कमी पड़ गई थी, एम्बुलेंस नहीं आती हमारी, इधर रोड नहीं बनी है तो एम्बुलेंस नहीं आ पाती। एम्बुलेंस फिर कैसे मिली? एम्बुलेंस बहुत दिक्कत में बनी है, सुबह आई है एम्बुलेंस, रात में नहीं आई है। सुबह घर तक नहीं गई थी, एगुआ तक गई है। कितनी दूर आपको जाना पड़ा? 1.5-2 किलोमीटर है एगुआ। फिर घर से कितने किलोमीटर कैसे आई? पैदल, उसमें से टू व्हीलर से पैदल से आए हैं। एम्बुलेंस से कहाँ ले गए बच्चे को? सिरमौर ले के गए हैं। इलाज हुआ? कुछ नहीं हुआ, वहाँ लिखा है डॉक्टर मिले हैं, पर बोले वो कह नहीं यहाँ ले जाओ बाटल चढ़वा दो, तो हम बोले कि हमको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा वहाँ से रीवा के लिए, तो वो ऊपर से हमको डांट रहे थे कि बोले तू ज़्यादा उसे आ रहा, तू ले जा अपने बच्चे को, तो हम अपने से ऑटो बुकिंग करके ले के आए हैं। किया? जी हाँ। 800 रुपये। Yeah.